ये भी आप देख रहे हैं इनका बिल्कुल वाल, अब इनका हेड गया हुआ है बिल्कुल, बाल देखो हाँ। थोड़ी देर में आप देख लेना, मैं बिल्कुल लुक चेंज कर दूंगा बिल्कुल। और आपने का अपने भैया का देख ही रहे हो सर, जो भी हमारे भाई सोच रहे हेयर पैच लगवा रहे आए वेलकम जी। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल 100% ह्यूमन हेयर होता है। वैरायटी जो भी आपको बाजार में मिल रहा है उनसे अच्छा मैं आपको दे दूंगा होलसेल रेट पे, और बिल्कुल कम से कम रेट में लगा करके मैं आपको दे दूंगा। ये जो नेट देख रहे हो जो मैं पकड़ा हुआ, मैं ये नेट है, ये अच्छा फ्रंटलेस पैच बोलते हैं, ये कट जाता है। अच्छा, ये कट जाने के बाद ऐसा फील होता है जैसे आपके स्कैल्प के अंदर से हेयर निकल रहा, कोई पकड़ नहीं पाएगा। ओके ओके ओके, लगाने के कोई चार्जेस नहीं। अदर जगह आप कहीं जाते हो तो पैच का जो भी रेट कोई भाई बताते हैं उसके बाद लगाने के चार्जेस अलग से लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ऐसा नहीं सर। आजकल ऐड चल रहे हैं तेल का, तेल के बहकावे मत आओ, ये तेल से बाल आपके आने वाले उगने वाले नहीं है। बाल आ जाते ही आने वाले, होता तो जो ही चावला जी भी ऐड देती है आजकल, घने काले लंबे हो जाएंगे आपके, लेकिन उनके जो हस्बैंड है उनको बिल्कुल बेचारे गंजे, उनके भी बाल नहीं है। यदि तेल में सच्चाई होती तो जूही चावला भी अपने आदमी का बाल ला देते। इसलिए क्लिप वाले के अलग बताते हैं, फिक्स वाले के अलग बताते हैं। क्वालिटी तो डिफरेंट होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्लिप वाले और फिक्स वाले के रेट दोनों लोगों को अलग अलग बताते, बट ऐसा नहीं सर रेट एक ही होता है दोनों का, चाहे क्लिप का हो चाहे फिक्स का हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। दोस्तों, आज का समय चल रहा है कि आज के टाइम में सभी के जो है बाल झड़ने की समस्या है, हर किसी के बाल झड़ रहे हैं, चाहे वो छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र वालों के तो झड़ ही रहे हैं, क्योंकि बालों में इतनी चीज़ें कराते हो, कुछ जेनेटिक्स भी होती है। लेकिन बाल झड़ने से गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, सूट भी नहीं करते, गंजापन किसी को अच्छा नहीं लगता। गाइस, आज मैं आपको ऐसी जगह पर ले गया हूँ जहाँ पर प्रोफेशनल, जिसे कहते हैं भाई बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको यहाँ पर बाल लगा के दिए जाते हैं। सारी आपको हेयर विग मिलने वाली है और गाइस डिजाइंस भी आपको बहुत मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि गाइस होलसेल रेट पे यहाँ पे बाल को यहाँ पे लगवाया जाता है। हम आ चुके हैं जीतू हेयर विग के पास, जो कि सामने बैठे हमारे यहाँ पे ऑनर। हेलो भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया, वेलकम जीतू हेयर विग में आपका। तो भैया के जो है इस शॉप में एक बार जरूर विजिट करिए। भैया हमारी शॉप कहाँ पे पड़ जाती है? मेरा दिल्ली में भैया, मेरे दो ब्रांच है, एक दिल्ली एक पटना। दिल्ली का जो एड्रेस है शॉप नंबर 101 चर्च मिशन रोड फतेहपुरी दिल्ली 6, नियर मेट्रो चांदनी चौक मेट्रो सबसे नजदीक है। पटना का जो मेरा एड्रेस है सर डाक बंगला रोड पे है, जमाल रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे, वेबसाइट मॉल के बराबर में। ओके, तो गाइस एड्रेस वगैरह बता देगा। और यहाँ पे जैसे आप बता रहे कि होलसेल रेट पे विग यहाँ पे लगा के दी जाती है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगा के दी जाती है? बिल्कुल, हमारे जो भी टेक्नीशियन है बिल्कुल प्रोफेशनल है, कोई ऐसा नहीं कि सीखने वाले सैलून वाले नहीं है। मैं पिछले आज से इस काम में कई सालों से हूँ सर मैं, और बहुत ही चीफ सबसे कम रेट में और बहुत फाइन क्वालिटी के हेयर मैं आपको लगा करके दे देता हूँ। लुक हेयर स्टाइल आपकी पसंद का, मेरे पसंद का नहीं, जैसा आप चाहो, बाद में चेंज चाहो तो चेंज भी कर सकते हो आप। बहुत बढ़िया गाइस, सबसे मैटर जो चीज़ करते हैं वो करते हैं लगाने का तरीका, कितने तरीके से लगा रहे हो, एक छोटी छोटी डिटेल्स का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है ताकि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ का यहाँ पे भैया ध्यान रखते हैं प्रोफेशनल, जिसे मैं जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ प्रोफेशनल इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे डिजाइंस की बात करें, बहुत डिजाइन से थोड़ा हम डिजाइंस कवर कर लेते हैं। हेयर स्टाइल आपकी पसंद का सर, वैरायटी जो भी आपको बाजार में मिल रहा है उनसे अच्छा मैं आपको दे दूंगा होलसेल रेट पे, और बिल्कुल कम से कम रेट में लगा करके मैं आपको दे दूंगा। कोई पकड़ नहीं पाएगा कि हेयर पैच आपका लगा हुआ है। सपोज ये देखो, जैसे एग्जांपल आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल आपके चले गए, फ्रंट का चला गया और सेंटर का चला गया या पूरा चला गया हो, मैं आपको लगा के दे दूंगा। डेमो आप ये देख ही रहे होंगे, ये देखो ठीक है जी, ये तो डेमो है, मैं आपको काम करते हुए लाइव दिखा दूंगा कि कैसा होता है नहीं होता। इसमें दो तीन मेथड होता है, इसलिए एक क्लिप वाला होता है एक फिक्स वाला होता है, रेट सर दोनों का एक ही होता है, रेट दो नहीं होते। तो गाइस अभी तक मैंने इतनी वीडियो बनाई है तो मैंने आपको अभी तक लगाते हुए नहीं दिखाया कि लगाते कैसे, काम करते हुए नहीं दिखाया। आज मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि विग लगती कैसे, हेयर पैच यहाँ पे लगाया कैसे जाता है, कितने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम होता है, वो भी भैया यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। इसमें सर वैरायटी होती है, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। स्टार्ट देखो यहाँ से होता है, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट ये होता है सर, आप हेयर देख ही रहे होंगे सर कितना स्मूथ हेयर होता है, 100% ह्यूमन हेयर, सिंथेटिक या लेलन वाले बाल नहीं होता है। ये देखिए, इसके बॉर्डर वाला सर ये, इसको बोलते हैं मोनोफिलामेंट, कोई इचिंग वगैरह नहीं होने वाली सर, ये नेट होता है, आप ये चीज देख रहे हैं ना, ये सेंटर आप देख रहे हैं, ये नेट होता है, नेट में हवा पानी पसीना के लिए स्पेस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक तो ये होता है सर, दूसरा एक होता है इसको बोलते हैं फ्रंटलेस पैच। फ्रंटलेस पैच देखो सर, इसको कहते हैं फ्रंटलेस, ये होता है ये
आप ये जो नेट देख रहे हो जो मैं पकड़ा हुआ मैं ये नेट है ये। अच्छा ये भी नेट है। हाँ ये नेट है, ये एक्स्ट्रा होता है, इसको फ्रंटलेस पैच बोलते हैं। ये कट जाता है ये। अच्छा ये कट जाने के बाद ऐसा फील होता है जैसे आपके स्कैल्प के अंदर से हेयर निकल लो, कोई पकड़ नहीं पाएगा। ओके 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 ठीक है सर। इसमें क्वालिटी वैरायटी बहुत आती है क्योंकि मैं पूरा दिखाने लगूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल। तो दो चार तो मैं दिखाता हूँ जो मेन मेन होता है। और जैसे इसको बोलते हैं स्किन बेस, स्किन बेस सर उसको बोलते हैं कि लगाने के बाद ऐसा फील होता है हमारे स्कैल्प से हेयर निकल रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे ऊपर ही आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, बिल्कुल स्किन लग रही है, लगी नहीं रहा कि कहीं से हेयर पैच है, सेम स्किन लग रहा है। नहीं आपकी स्किन दिखाई दे रही है अंदर से निकल रहा बाल। ये देखो वैरायटी बहुत है सर, क्वालिटी बहुत है। लगाने का मेन है, मेन होता है टेक्नीशियन कैसा है आपका जी। सारा खेल है टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन आपका सही है काम सही हो जाएगा, टेक्नीशियन सही नहीं है काम आपका सही होगा, आपका लुक भी बिगड़ जाएगा, बट हमारा ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया। तो गाइस टेक्नीशियन की यहाँ पे सारी बात है और यहाँ पे हेयर पैच आपकी पसंद का आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे आपको हेयर पैच के डिजाइन मिल जाएंगे। नहीं समझ आ रहा तो आप कस्टमाइज भी यहाँ से करवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे इस टाइप से, जैसे इस पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है डॉल पे यहाँ पे कि हेयर पैच जो है अलग से, ऐसे लग रहा है जैसे इसी के ऊपर बाल लगा रखे हैं, इसके बाल ही लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से इसके ऊपर हेयर लगा रखे हैं गाइस, हेयर पैच वाले यही जो यहाँ पे रखे हुए आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम होता है और ये आप देख सकते हैं। तो प्राइसिंग में थोड़ा बताऊँ तो कितना फिर भी एक रहता है? सबसे कम है, आप दिल्ली में देख रहे होंगे पैच वाले पे जाओ कोई 20,000 को, 25,000 को, 30,000 रुपये बताते होंगे। मैं आपको कम से कम रेट लगा के दे दूंगा 5,999, 5,999 से स्टार्ट है और लास्ट 20,000 रुपये तक का मैं लगा करके कंप्लीट करके मैं आपको। ये देखो गाइस जो 50-60 हज़ार है यहाँ पे 5,999 लगाने के कोई चार्जेस नहीं। अदर जगह आप कहीं जाते हो तो पैच का जो भी रेट कोई भाई बताते हैं उसके बाद लगाने के चार्जेस अलग से लेते हैं। अच्छा हमारे पास ऐसा नहीं सर, लगाने के कोई चार्जेस नहीं है, एक ही रेट है हमारे पास 5,999 से कम स्टार्ट है और लास्ट 20,000 तक का कंप्लीट करके हम दे देते हैं। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा ना लोगों को इस चीज के बारे में बताओ कि अपने बालों का ध्यान कैसे रखे, उनके बाल वगैरह कैसे झड़ने से बचाए। वो भाई बालों का ध्यान रखना भी चाहिए, रखो भी आप, बट नए नए चीज एक्सपेरिमेंट मत करो जो जिसके बारे में ना पता हो। और खास करके जो आजकल ऐड चल रहे तेल का, तेल के बहकावे मत आओ, ये तेल से बाल आपके आने वाले उगने वाले नहीं है। अदरवाइज तेल से आपके बाल आ जाते या आने वाले होता तो जूही चावला जी भी ऐड देती आजकल घने काले लंबे लंबे बाल इस तेल से आ जाएंगे आपके। लेकिन उनके जो हस्बैंड है उनको बिल्कुल बेचारे गंजे, उनके भी बाल नहीं है। यदि तेल में सच्चाई होती तो जूही चावला भी अपने आदमी का बाल ला देते। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा हेयर पैच लगवा ले आप, बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा, बढ़िया प्यारा लुक आएगा। तो गाइस तेल वेल के चक्कर में तो मत पड़ो, बाकी बाल हैं आपके तो अपने बालों का ध्यान रखो, ये तेल वेल के झंझट में मत पड़ो। अगर आपके बाल नहीं है उड़ चुके हैं तो आप हेयर पैच लगवा सकते हो, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आपको बिल्कुल तरीके से बाल आपके लिए लगवाए जाएंगे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। इसके बाद सर आप हमें वो भी दिखाने वाले हो? मैं काम करता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह से लगता है। इसमें दो तीन मेथड होता है ब्रदर। ओके जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, एक क्लिप वाला होता है, एक फिक्स वाला होता है। ये देखो क्लिप वाला इस तरह से होता है, ये हुआ क्लिप वाला। ठीक है सर, इसमें क्लिप होता है लेफ्ट साइड एंड बैक में क्लिप लग जाता है, फोरहेड जो होता है फ्रंट होता है छोटा सा टेप लगता है। अच्छा ये आप घर पे भी यूज कर सकते हो, आपको जो है किसी तरह की किसी पर जाने की जरूरत नहीं, सैलून वगैरह में सेल्फ घर पे मेंटेन कर लेंगे। एक होता है ग्लू वाला, ग्लू वाला जो होता है ये जो बॉर्डर देख रहे हैं इसके ऊपर टेपिंग लगती है, टेपिंग के ऊपर फिर ग्लू लगाया जाता है, फिर फिक्स किया जाता है, इसको महीना दिन आपका आराम से चल जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपको दो टाइप के यहाँ पे आपके जो है हेयर पैच होते हैं, एक पिन वाला और एक ग्लू वाला। रेट एक ही होता है सर। अच्छा रेट ऐसा नहीं कि क्लिप वाला का अलग है या फिक्स वाला, ऐसा नहीं है सर, रेट एक ही होता है, रेट एक ही होता है सर। बहुत बढ़िया, यहाँ पे अलग अलग रेट नहीं है, सबका रेट आपको एक ही मिलने वाला है। अलग अलग जो रेट बताते थे महंगे महंगे बताते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से क्लिप वाले के अलग बताते हैं, फिक्स वाले अलग बताते हैं। जी क्वालिटी तो डिफरेंट होती है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्लिप वाले और फिक्स वाले के रेट दोनों लोगों को अलग अलग बताते, बट ऐसा नहीं सर रेट एक ही होता है दोनों का, चाहे क्लिप का हो चाहे फिक्स का हो। 100% ह्यूमन हेयर होगा, कोई एक भी बाल सिंथेटिक या लेलून का नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल सच्चाई बताई जाती है, जैसे अलग अलग मार्केट में रेट बताते हैं, नहीं ये दोनों का रेट सेम होता है जैसे भैया ने यहाँ पे आपको बताया। तो भैया इसके बाद आप क्या दिखाने वाले हो? मैं काम करते हुए दिखाता हूँ सर किस तरह का होता है। यहाँ पे जो है हेयर पैच यहाँ पे एक भैया के लगाया जा रहा है,
ये देखो फिक्स वाला, इसको बोलते हैं फिक्स वाले में क्या होता है, ये पहले एरिया सेव अप किया जाता है। ओके, सेव अप करके इसके ऊपर फिर स्कैल्प प्रोटेक्टर लगाया जाता है ताकि आपकी स्किन को किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप पहली बार शायद ये देख रहे होंगे, फिर ग्लू लगाया जाता है सर। ओके, ये देखो यहाँ पे पूरे अच्छे से यहाँ पे बालों को शेव कर दिया जाएगा ताकि इस पर अच्छे से चिपक जाए। जो भी हमारे भाई वीडियो को देख रहे हैं और हेयर पैच लगवाने की सोच रहे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपना 60 मिनट, सिर्फ एक घंटे निकाल के अपना टाइम लेकर के आए और अपना लुक चेंज करा ले सर। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये होता था ग्लूज मेथड जो मैं भी बता रहा था आपको, जैसे एग्जांपल कि पहले सेवअप किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके ऊपर फिर इसके ऊपर ग्लू लगाया जाता है। ओके, ग्लू लगाने के बाद फिर इस पर पेस्ट किया जाता है हेयर पैच। ये देखो ये हेयर पैच है आपका, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये पेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से लगवाया जाता है। ये हो गया सर ग्लू मेथड और ये लग गया और पता भी नहीं चलने का क्लिनिक को कि आपका हेयर पैच लगा सर। ये देखो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जिसे कहते हैं ये देखो बारीकी से एकदम काम होता है यहाँ पे, और ये लग गया, यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे बालों पर ड्रायर हो रहा है। बिल्कुल तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, ये वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मसाज वगैरह की जा रही है अच्छे से, ग्लू वगैरह जो पहले के लगे हुए वो हटाए जा रहे हैं और यहाँ पे ये बाल लग चुके हैं। और जो दूसरे यहाँ पे भैया बैठे हैं अभी सर, इनके भी यहाँ पे बालों पे लगाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल फाइनल लुक इनका अब देखो हो गया, कोई सर पकड़ में नहीं आएगा अब कि हेयर पैच इनका लग गया है, ओरिजिनल हेयर है या पैच है कोई नहीं बता पाएगा सर। देखो तो ये कुछ फाइनल लुक कुछ इस टाइप की यहाँ पे तैयार हो चुकी है। देखो सर जैसे कि आपने अभी देखे थे बगैर पैच के, हमारे सर को अभी देख रहे थे, अब ये पैच लगने के बाद का लुक देखो सर, आप फ्रंट से, बैक से, साइड से, कहीं से भी आप देखे कोई जज नहीं कर पाएगा कि हेयर पैच लगा हुआ है। ये देखिए सर, हेयर स्टाइल आपकी पसंद का होगा, मेरी पसंद का नहीं, ये देखो आप जैसा चाहे उस तरह का हेयर स्टाइल या अपना लुक चेंज करवा ले सर। ये आप देख सकते बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। तो मैंने आपको पहले बाल दिखाया और अब के बाल आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इतने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे भैया जो है हेयर पैच लगाते हैं जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल। और यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाया है डेमो करके, तो बाल देखो कितने शानदार बाल लग रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल मैच पता ही नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखो एक सर यहाँ पे और आए हुए हैं, इनका भी हेयर पैच लगने वाला है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इनका बिल्कुल वाइल्ड, अब इनका हेयर गया हुआ है बिल्कुल, बाल देखो थोड़ी देर में आप देख लेना, मैं बिल्कुल लुक चेंज कर दूंगा, बिल्कुल स्मार्ट बन जाएंगे हमारे भाई। अभी ये देखो गाइस, ये बहुत दूर से आए हमारे भाई ये हेयर पैच लगवाने, सबसे दूर हमारे बहुत दूर से आते हैं ये। अच्छा ये देखो अभी ये कुछ इस टाइप से, अब हेयर लगने के बाद देखेंगे। और ये देखो जैसे हमने कहा था इनका हेयर पैच लगाएंगे, इनका भी देखो हेयर पैच यहाँ पे लगा दिया गया है। और ये देखो कितने बिफोर आपने देखे थे, आफ्टर बिफोर आफ्टर का आपने भैया का देख ही रहे हो सर। जो भी हमारे भाई सोच रहे हेयर पैच लगवाने आए, वेलकम जीतू हेयर। ये देखो यहाँ पे जीतू हेयर पे एक बार जरूर आओ और यहाँ पे अपना हेयर पैच ऐसे लगवा के जा सकते हैं। आपने जैसे भैया ने सारा आपको प्रोसेस दिखाया कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे विग हेयर विग लगाई जाती है, कितने प्रोफेशनल तरीके से काम होता है, एक बार भैया आप भी बता दीजिए थोड़ा कुछ। जैसा कि आप सब ने देखे भैया हेयर पैच का लगाते हो, हमने ये सिर्फ आपको भी लगा के दिखाया था, पूरा पक्का नहीं करा था अभी, टेपिंग का सिर्फ करा। जो भी भाई हमारे लगवाना चाहते आए, वेलकम जीतू हेयर विग में, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल 100% ह्यूमन हेयर होता है, लगा करके हम देंगे कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा लुक जो आपके फेस पे सूट होगा वो हम करके। बहुत बढ़िया, एक बार भैया एड्रेस वगैरह थोड़ा फिर से बता दीजिए। दिल्ली का एड्रेस है शॉप नंबर 101 चर्च मिशन रोड फतेहपुरी दिल्ली 6, मोबाइल नंबर है 9871845786, नियर मेट्रो है चांदनी चौक। पटना का मेरा एड्रेस है सर डाक बंगला रोड जीतू हेयर विग, वहाँ का वेस्ट साइड मॉल के पास। फोन नंबर पटना का है 9988667074। तो गाइज अगर आपको भी बालों की समस्या है तो एक बार जरूर विजिट करें जीतू हेयर विग के पास, यहाँ पे इन्हें सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है गाइज मिले हुए हैं बड़े बड़े एक्टरों द्वारा। ये देखो तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें, बालों की समस्या से छुटकारा पाए गाइज, हेयर विग लगवा लीजिए, गंजेपन को छुपाइए आराम से। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।